गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 15 सितंबर 2018 और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू। और देखिए, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसको डाउनलोड करके और वहाँ पे सर्च कीजिए उड़ान एजुकेशन हब, ठीक है? तो इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, और ये जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे हमारे फेसबुक पेज से भी मिल जाएगी, ठीक है? आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि हाल ही के अंदर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर देखते हैं। ये रहेगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि रंजन गोगोई को, ठीक है? इमेज में देखिए यही है यहाँ पे रंजन गोगोई, जिनको यहाँ पे भारत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस के रूप में चुना गया है। राष्ट्रपति ने यहाँ पे जो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई है उनको यहाँ पे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और ये देश के यहाँ पे वर्तमान न्यायाधीश जो कि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा है उनके जो रिटायरमेंट है उसके बाद ही यहाँ पे 3 अक्टूबर 2018 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो 12 फरवरी 2011 के अंदर इनको पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और 23 अप्रैल 2012 को इन्हें भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश के रूप में इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है? और अभी ये यहाँ पे सीजीआई के पोस्ट पे ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है? चलते हैं आगे। हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली स्वदेशी परमाणु चिकित्सा किट विकसित की है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए ये की है यहाँ पे ईनेम ने, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ये यहाँ पे एक और जो ये डिपार्टमेंट है वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा डीआरडीओ का, ठीक है? इनके द्वारा ये एक अर्धसैनिक पुलिस बलों के एक राहत के रूप में एक केंद्रीय शोध संस्थान है जिन्होंने वैज्ञानिकों ने यहाँ पे भारत के अंदर पहली स्वदेशी किट विकसित की है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये किट हमें पहली बात तो ये है कि मिल ही नहीं पाती थी। अगर मिल पाती थी तो जैसे कि अमेरिका हो गया या फिर यूरोप हो गया, इन कंट्रियों से हमें परचेज करनी पड़ती थी, और जिसके लिए हमें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो कीमत है वो अदा करनी पड़ती थी, और जिसकी वजह से बहुत सारी क्या है खामियां चाहे यहाँ पे भारत को भुगतनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, हमारी जो डीआरडीओ जो कि साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने खुद ने ही इस किट को तैयार कर लिया है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमारे देश के जवानों को, ठीक है? चलते हैं आगे। हाल ही में एचआईवी आकलन 2017 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये देखिए ये की गई है ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, NACO को। ये है क्या, देखिए ये है यहाँ पे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? यहाँ पे इसी के द्वारा एचआईवी आकलन 2018 की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसके अंदर यहाँ पे जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे इसके द्वारा बताया है कि इसका कौन सा आकलन था। तो ये 14th आकलन था जिसके द्वारा यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल की सहायता से एचआईवी अनुमानों को यहाँ पे एक बार फिर से दोहराया है, ठीक है? और इसके चलते इन्होंने बताया है कि जो आकलन है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर सबसे पहले कब शुरू हो गया था, तो भारत के अंदर जो एचआईवी का आकलन है वो 1998 के अंदर, यानी कि 1998 यानी कि 1998 के अंदर इसको शुरू कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका अंतिम आकलन है वो कब किया गया था, तो ये किया गया था 2015 के अंदर, उसके बाद से ही ये यहाँ पे रिपोर्ट आई है 2017 की, ठीक है? जिसके अनुसार बताया गया है कि लगभग 21.40 लाख लोग इंडिया के अंदर इस बीमारी से अभी जूझ रहे हैं, ठीक है? और आने वाले टाइम के अंदर चाहेंगे कि ये जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाए और कम से कम ये आंकड़ा जो है हमारा रह जाए, ठीक है? चलते हैं आगे। हाल ही में वैश्विक जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए ये हुआ है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर भी कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है यहाँ पे जो फ्रांसिसिको कैलिफोर्निया है उसके अंदर, ठीक है? यहाँ पे इस आयोजन को
कंप्लीट किया गया है, जिसके अंदर 4,000 से भी अधिक व्यवसाय जो करने वाले शहर के, राज्य के ये नागरिक इसके अंदर क्या है उपस्थित हुए थे। और इस शिखर सम्मेलन के अंदर एक और बात बोली गई है, जो पेरिस ने यहाँ पे आंकड़ा रखा था, ठीक है, वो आंकड़ा, वो लक्ष्य भी निर्धारण करने की इसके अंदर बात की गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये यहाँ पे मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है, इसलिए हमारा क्या है जो हिंदी दिवस है वो 14 दिवस को मनाया जाता है। और इस दिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1949 के अंदर भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि लिखित हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, और जिसके चलते भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद है 343, इसके तहत यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को देवनागरी की लिपि में लिखी गई हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में इसको अपना लिया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में देश का पहला जनजातीय पर्यटन सर्किट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो देखिए, ये यहाँ पे शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। जो पर्यटक राज्य मंत्री है और केंद्रीय मंत्री है, जिनका नाम है जे अल्फोंस, ठीक है, यही है जे अल्फोंस, इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर 13 पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली देश की पहली ट्राइबल सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को फरवरी 2016 के अंदर पर्यटन मंत्रालय ने यहाँ पे स्वीकृति दे दी थी, और जिसके चलते अब इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। अब छत्तीसगढ़ का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है रमन सिंह, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है आनंदी बेन पटेल। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कितने प्रतिशत के अंदर वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 6.6 की, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यही है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि IIP, जिसके अंदर यहाँ पे हाल ही के अंदर जो हमारे, जैसे कि हम बात करें अरुण जेटली जी हैं, उनके अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 6.6 की यहाँ पे वृद्धि हो गई है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार है वो यहाँ पे अरुण जेटली जी के पास ही है। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर उदयवीर सिंह ने जूनियर पुरुषों की 25 मीटर पिस्तौल स्पर्धा के अंदर कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये किया है इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यही है उदयवीर सिंह, जिन्होंने यहाँ पे, बात करें तो जो 25 मीटर की पिस्तौल स्पर्धा है उसके अंदर गोल्ड प्राप्त किया है, और इसी के साथ कुल 24 पदों में से 9 स्वर्ण और 8 रजत पदक यहाँ पे और 7 कांस्य पदक भारत ने हासिल किए हैं, और इसी के चलते यहाँ पे जो इंडिया है वो चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, इस तालिका के अंदर। अब ये जो गेम हो रहे थे वो कहाँ पे हो रहे थे, दक्षिण कोरिया के अंदर। अगर दक्षिण कोरिया का नाम आया तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी है सियोल, और इसकी मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है, चलते हैं आगे। हाल ही में सर्बिया, माल्टा और रोमानिया कि 3 देशों की यात्रा के ऊपर कौन जाएगा या किसके द्वारा की जाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं, ये की जाएगी हमारे देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा, जिनका नाम है वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। यही है यहाँ पे वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, जो कि सर्बिया, माल्टा और रोमानिया इन 3 देशों की यात्रा यहाँ पे करेंगे, और जो कि एक 7 दिवसीय दौरा रहेगा, और इसके ऊपर मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, मेन फोकस रहेगा कृषि के ऊपर और यहाँ के पर्यटन क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे बात आई है 3 कंट्रीज़ की, तो हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्बिया की राजधानी, तो ये है बेलग्रेड, और यहाँ की मुद्रा है सर्बियाई दिनार। उसके बाद में हम बात करते हैं कि माल्टा की राजधानी, माल्टा की राजधानी है वालेटा और मुद्रा है यूरो, और रोमानिया की राजधानी है बुरास्ट और मुद्रा है यहाँ की रोमानिया लियो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं आगे। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन के अंदर देखिए, ये हुआ है अर्जेंटीना के अंदर, और यही है हमारा G20, जो कि अर्जेंटीना के अंदर यहाँ पे इसको आयोजित किया गया है, और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया है, इसके अंदर भारत की तरफ से
किसने पार्टिसिपेट किया है, तो ये किया है सुरेश प्रभु के द्वारा, ठीक है। और G20 जो कि एक व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक है, जिसके अंदर आने वाले जो औद्योगिक क्रांति है उसके बारे में बहुत सारी चर्चा जो है की गई है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं उनको भी टैकल करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। G20 के अंदर जो सदस्य है वो यहाँ पे 20 देश इसके अंदर क्या है, सदस्य देश है, ठीक है। और जिसके चलते अब ये यहाँ पे बैठक जो है अर्जेंटीना के अंदर आयोजित की गई है। अब अर्जेंटीना का नाम आया है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी राजधानी कौन सी है, तो ये है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है अर्जेंटीना पैसो। चलते हैं आगे। हाल ही में नेशनल स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये की गई है यहाँ पे अब्बास नकवी के द्वारा, ठीक है। यही है अब्बास नकवी। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं अब्बास नकवी, इन्होंने नई दिल्ली के अंदर देश की पहली नेशनल स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाले टाइम के अंदर जो भी स्कॉलरशिप है वो इस ऐप के माध्यम से ही विकसित की जाएगी। और दूसरी बात यह है, इसके अंदर जो फ्रॉड हो जाते हैं वो मामला क्या है, बहुत कम रहेंगे, और जितना भी रहेगा जो आंकड़े रहेंगे वो सारे के सारे सामने रहेंगे, तो यहाँ पर फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनके अंदर भी इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो कितने यूज़फुल हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।